देख रहे हैं यू न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमेरिका में जुनूनियत की भीड़ चढ़ने वाली सबीका शेख को आहों और सिसकियों के साथ अजीमपुरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के हकीम सईद ग्राउंड में गवर्नर सिंध, वजीर आला पंजाब, काबीना के अरकान और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। एयरपोर्ट पर जिस्ते खाकी को ASF एहलकारों ने सलामी दी। सबीका रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर अमेरिका गई। ईद पर पाकिस्तान आना था, घर रवानगी से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गई। वालदैन और दोस्त गम से निढाल। उधर अमेरिकी सेनेट कॉम के कमांडर जनरल जोसेफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। टेक्सास में फायरिंग से पाकिस्तानी तालिबा सबीका शेख की शहादत पर ताजियत का इजहार। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि दानियाल अजीज को थप्पड़ मारना अफसोसनाक अमल है, इस कल्चर के जिम्मेदार इमरान खान हैं। यही PTI का कल्चर है, एक एक करके इनके सारे पोल खुल रहे हैं। कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। शरीफ फैमिली के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस की आज फिर समाअत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इस्लामाबाद एहतजाब अदालत में पेशी। साबिक वजीर आजम आज भी सवालों के जवाब दे रहे हैं। कराची वाले रहे होशियार, गर्मी आज भी कर रही है बेहाल। सूरज आज भी गजब ढा रहा है, पारा फिर 40 से ऊपर जाएगा। हीट वेव की वार्निंग बरकरार। बिन कासिम पावर प्लांट के पुर्जे की तंसीब के बावजूद लोड शेडिंग कम ना हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आग मचोली से शहरी परेशान। दौरे चिन्यौट में वजीर आला शहबाज शरीफ अकेले रह गए। चिन्यौट की क्यादत ने वजीर आला शहबाज शरीफ के दौरे का बॉयकॉट कर दिया। अरकान असेंबली गुलाम लाली, इम्तियाज लाली, सकलैन सुप्रा, मौलाना रहमत अली तकरीब में ना आए। शहबाज शरीफ ने चिन्यौट में अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। वजीर आला शहबाज शरीफ का दौरा मुख्तसर करके वापस आना पड़ा। निगरान वजीर आजम कौन होगा? फैसला वजीर आजम और अपोजिशन लीडर आज या फिर कल मिलकर करेंगे। खुर्शीद शाह इत्तफाक राय के लिए पुरउम्मीद। पीपल्स पार्टी ने जका अशरफ और जलील अब्बास जिलानी के नाम पेश कर दिए। नून लीग की जानिब से जस्टिस रिटायर तसद्दुक जिलानी, नासिर उल मुल्क और अशरत हुसैन तजवीज। अब्दुल्ला हुसैन हारून अब भी फेवरेट। मुंबई हमला केस, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत। डायरेक्टर FIA वाजिद ज़िया ने अपना तहरीरी बयान अदालत में जमा करा दिया। अदालत ने इस्तगासा के आखिरी दो पाकिस्तानी गवाहों को तलब कर रखा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक और कारनामा, 10 साल से काम करने वाले 68 मुलाजमीन को अचानक बरतरफ कर दिया। 150 से ज्यादा मुलाजमीन का न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज। करप्शन इल्जामात में गिरफ्तार साबिक DGLDA आहा चीमा के खिलाफ घेरा मजीद तंग। नैब ने मुलजिम के 6 रिश्तेदारों की जायदादों की तफसीलात मांग ली। नैब का असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को आज मुसद्दका नकूल समेत पेश होने का हुक्म। उधर लाहौर पार्किंग कंपनी स्कैंडल में कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुंबल की भी आज तलबी। हुकूमत की मुल्क में आम इंतखाबात 25 जुलाई को कराने की मंसूबाबंदी। वजीर आजम को समरी की मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत की वतन वापसी का इंतजार। ऐवान सदर से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में शेड्यूल जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए 25, 26 और 27 जुलाई की तारीखों की तजवीज दी थी। गैर मुल्कियों के लिए दुबई तर्ज पर पाकिस्तान में अकामा सिस्टम लाने की तजावीज़। CPEC के लिए गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान आने की तवक्को। गैर मुल्कियों को अकामा तर्ज पर वीजे जारी होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद बाख़बर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.unews.tv।